क्या ताता हुकम खेर सिंह जी दुनिया में नहीं है, पर श्रीमान जी गहलोत साहब ने मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि खेर सिंह जी दुनिया में है या नहीं है, मुझे आज तक उन्होंने पता नहीं पड़ने दिया। तहसील की तहसील बालेश्वर में नया एसडीएम कार्यालय, देवातु से गोगादेव की मंदिर तक की सड़क, डिप्टी कार्यालय बोरानाडा था उसको बालेश्वर में स्थापित कराना, और डांडिया के अंदर 12वीं स्कूल खोलना, उस दिन आपने मैंने 7 चीजें मांगी, 7 आपने दी, मैं कभी आपको भूल नहीं सकता हूँ। 2018 में आपकी बहू और बेटी मीना गौर यहाँ से आपके आशीर्वाद से विधायक बनी, आपको क्या होगा जो मैंने मांगा, आपने कहा बेटा तू मेरे से काम मांगता मांगता थक जाएगा, अशोक गहलोत तेरे को देते देते नहीं थकेगा। 332 सड़कें इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर, 332 सड़कें, 4-5 हाईवे, बालेश्वर में ट्रॉमा सेंटर, बालेश्वर में पानी का एक्शन ऑफिस, शेरगढ़ में कॉलेज की बिल्डिंग, चौमू नई पंचायत समिति, चौमू नई तहसील, चौमू नया थाना, चौमू के अंदर कृषि मंडी, आगोले के अंदर उप तहसील, खुड़ियाना में पुलिस चौकी, मैं क्या बताऊं आपको, मुझे खुद को याद नहीं कि आपने मुझे क्या क्या दिया, मैं ये आपको कहना चाहता हूं। पर राजस्थान की जनता जब विधानसभा के चुनाव आए तो उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की, अब लोग वो पछता रहे गहलोत साहब, मैं इस चुनाव के अंदर हर गांव में गया हूं जहां मेरे प्रत्याशी करण सिंह जी नहीं गए, वहां सब मैं जाके उस पंचायत मुख्यालय पे लोगों से साथ में मीटिंग करता हूं, आपकी अपील करता हूं, कांग्रेस के मैं वोट मांगता हूं। लोग आज उस राज को याद करते हैं जो 25 लाख की चिरंजीवी योजना थी वो 5 लाख में आ गई, 20 लाख का घाटा थी सरकार, 25 सरकार आते ही आप लोगों को डाल दिया, 5 लाख रुपए उन्होंने कर दिए 25 लाख के, जो आपके राशन का किट मिलता था अशोक गहलोत साहब का चेहरा उस पर लगा हुआ था, और महिलाएं गरीब दलित उस थैली को याद कर रहे हैं गहलोत साहब, आज वो थैली खाली मिल रही, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। बिजली के बिल आने शुरू हो गए, आपने 100 यूनिट फ्री की, बिजली के बिल आने शुरू हो गए, हॉस्पिटलों के अंदर व्यवस्थाएं चरमरा गई, ना दवाई है ना डॉक्टर है ना कहीं क्षेत्र में अधिकारी है, और अधिकारी लगे भी हैं तो 4-4 दफे थानेदार और एसडीएम चेंज हो गए, इनको पता ही नहीं कौन अधिकारी लगा और कौन का क्या मामला चल रहा है। बुजुर्गों और भाइयों, जब पर्ची से सरकार बनती है तो उस प्रदेश की हालत यही होते हैं, अपने सामने वो शख्स बैठा है, अपने को गर्व होना चाहिए इस व्यक्ति ने जोधपुर के अंदर जन्म लिया, जोधपुर के अंदर कितने भाग्यवान है, दुनिया के अंदर नाम कमा लिया है, आज कोई इंस्टीट्यूट की जोधपुर के अंदर कमी नहीं रखी, कोई कॉलेज देख लो चाहे हॉस्पिटल देख लो, कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर भी जब वोट आते हैं पता नहीं क्या होता है, कोई नजर लग जाती है या और कोई लफड़ा हो जाता है, पर मेरा आपसे निवेदन है, मेरी आपसे अपील है, अब मौका है वापस इस लोकसभा चुनाव के अंदर, आप सब साथी मेरे सामने बैठे हो कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता हो, आज गहलोत साहब हर गांव के अंदर 10-10, 15-15 शादियां है, मेरे इस कस्बे के अंदर 50 शादियां है, आज की तारीख 50 शादियां, इसलिए भीड़ कम है, बाकी आपका नाम सुनते ये लोग या माते ही नहीं थे, पर शादियां ज्यादा हो गई हुकम, फिर ये मौसम बिगड़ गया, फिर भी आपका दर्शन करने के लिए मेरे ये कांग्रेस के जांबाज सिपाही, कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी आपके सामने बैठे हैं, सरपंच बैठे हैं आपके सामने, 4 पंचायत समितियां, 4 प्रधानियां बैठे हैं, प्रदेश